हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई पीओ क्लर्क का जो नोटिफिकेशन वो एक्सपेक्टेड है, आप भी देख रहे होंगे, जगह जगह डिस्कशन हो रहा है और आकाश सर ने भी वीडियो बनाया है, उनकी बात ऑफकोर्स मैंने भी देखा। और इसी चीज़ को और क्लियर करने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन में पढ़े हुए, जो अभी काफ़ी अच्छी मतलब पोस्ट पे काम कर रहे हैं और रीजनल ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो उनसे मैंने कल कनेक्ट किया ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि बाकी कितनी वैकेंसी, किस तरह से नोटिफिकेशन कब आने की चांसेस हैं। तो एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वैसे तो हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, 2-3 तारीख में आ जाए, लेकिन जो 15-12 अक्टूबर से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एसबीआई पीओ का। तो मेरे को बताया गया जो दुर्गा पूजा उससे पहले, मतलब आप मान सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में, अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मिल जाए, लेकिन ये श्योर है कि अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ही आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वैकेंसी संभाव जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी एसबीआई पीओ की, उसी आधार पे वैकेंसी होंगी, जैसे कि आपने लास्ट ईयर अगर देखें 2000 के आसपास की वैकेंसी आपको मिलती है। तो एसबीआई पीओ की जो नोटिफिकेशन है, कभी भी आपके सामने अक्टूबर में आ सकता है और उम्मीद है कि वो फर्स्ट वीक में या लास्ट सेकेंड वीक में, अदरवाइज फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं। 10 तारीख से पहले आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये मैंने भी क्लियर किया। कल मेरी बातचीत हुई अपने विद्यार्थियों से, तो उन्होंने भी ये कंफर्मेशन दी कि हाँ सर, ऐसा है और कहीं ना कहीं एस बी पी ओ की वैकेंसीज अब कभी भी आपके अक्टूबर में फर्स्ट वीक में या 10 तारीख तक आ सकती है। तो इसलिए अब यहाँ बताने का पर्पज़ ये भी है कि एस बी पी ओ का नोटिफिकेशन आता है तो कम समय मिलता है आपको, प्रीलिम्स देना है और उसके बाद मेंस देना है। तो जो बच्चे इंतजार करते हैं एस बी पी ओ के लिए, पूरी तरह से मेहनत करते हैं, तो अब उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। और स्टार्ट कर रखी है तो उसको थोड़ा सही डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है। अदरवाइज मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली कि आप एसबीआई की अगर टारगेट कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आरबीआई को टारगेट कर रहे होते हैं, एसबीआई को टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते। मीन्स वो क्या है, वो अपनी कंसेप्चुअल स्टडी, कंसेप्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जब नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ वो प्रैक्टिस पर बेस्ड हो जाते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। और जब प्रीलिम्स के बाद जो गैप आता है मीन्स तक के लिए, उसमें जीए और मॉक देना देने का काम करते हैं, जीए को स्ट्रॉन्ग और बनाते हैं। तो जीए को आप शुरू से भी पढ़िए, लेकिन जो गैप है ना उसमें ऐसा मत सोचिए कि मेंस की फिर अलग से कुछ ऐसा करके तैयारी करेंगे। आप अगर एसबीपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि कंसेप्चुअल आप प्रीलिम्स प्लस मेंस टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में जाके कवर कीजिए, क्योंकि मेंस आपको जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो सरप्राइज करते हैं, और वो उन्हीं वही बच्चे कर पाते हैं जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जो चेंज आता है क्वेश्चन में, उसकी इंफॉर्मेशन को वही बच्चे समझ पाते हैं जो डिटेल में, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। तो इसलिए आप अगर एसबीपीओ को टारगेट कर रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में सपने में एसबीपीओ है, तो अब वो समय है कि जहां आपको पूरी तरह से एसबीपीओ के लिए पूरा काम करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आपके सामने आएगा और आपको फिर समय निकलते देर नहीं लगती है। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की क्लास लेता हूँ, रीजनिंग में रीजनिंग की क्लास आपको मिलती है, चाहे पजल के रूप में हो या मिसलेनियस के रूप में हो या क्रिटिकल रीजनिंग के रूप में हो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लासेस लेता हूँ। और जो कंसेप्चुअल, अगर आप वीडियोस को कंसेप्ट वाइज रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है और उसका वीडियो का भी लिंक है, वो वीडियो कोर्स है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे।